दार्जिलिंग आए और चाय ना पिए कैसे हो सकता है, और यहाँ पे और व्यू देखिए इस तरफ। अभी मैं हूँ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे और अभी बज रहे दोपहर के 2 बजे और आज हम जा रहे हैं दार्जिलिंग। अभी अगर आपको दार्जिलिंग जाना है तो आपको यहाँ से गाड़ी मिल जाएगा, शेयर सुमो या आपको प्राइवेट कैब ले सकते हैं। और हम ले रहे हैं तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड से, यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर है, आप लोग वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। और या अभी हम ऑटो पकड़ेंगे और वहाँ तक जाएंगे। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग फाइन। अभी चलते हैं तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड पे और मिलते हैं। और ये है NJP रेलवे स्टेशन। और आपको अगर नेपाल जाना है, गैंगटोक जाना है या दार्जिलिंग जाना है तो आपको यहाँ से सुमो मिल जाएगा या कैब मिल जाएगा। अभी मैं हूँ तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड पे और अभी हम लोग यहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे। और बस का इंक्वायरी किया था मगर बस नहीं है, अभी सुमो से जाना पड़ेगा। आपको यहाँ से पूरे दूसरे शहरों के लिए बस मिल जाएगा, आप लोग यहाँ तक आ सकते हैं सिलीगुड़ी से। ये अराउंड 8-9 किलोमीटर है। अभी हम रुके हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए और वी हैव डन अराउंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस टू दार्जिलिंग एंड अभी अराउंड 1 आवर और लगेगा वहाँ पे वहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी अंदर देखते कुछ खाते हैं। अभी मैं पहुंच गया हूँ दार्जिलिंग और अभी यहाँ से उतर के अभी मैं अपने रूम की ओर जा रहा हूँ। और यहाँ पे अभी टेम्परेचर है अराउंड 15-16 डिग्री और हमने स्वेटर पहन रखा है और अंधेरा बहुत है। अभी रूम जाके बात करता हूँ, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। सो दिस इज आवर रूम फॉर टुनाइट और ये है आज के लिए रूम। एक बेड, एक टीवी है, ठीक है। अभी हम लोग निकले हैं खाना खाने के लिए, आते हैं। अभी सबसे पहले तो होटल ढूंढते मिलेगा कि नहीं। तो ये है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये स्टेशन से चले गए 8 बजे को। दार्जिलिंग के रेल लाइन एक 2 फीट है, एक दो मतलब सिर्फ 2 फीट है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ओपन हुआ था इन द ईयर 1881 और ये अबव 6812 फीट एल्टीट्यूड के अबव है। और यहाँ दार्जिलिंग आए और चाय ना पिए ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे और व्यू देखिए इस तरफ। अभी हम चल रहे हैं दार्जिलिंग। हैप्पी वैली टी स्टेट और आप लोग देख सकते हैं पूरा चारों तरफ
पूरा चाय बागान है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं। ये ऑन द वे टू जू में ही पड़ता है, रोड के सामने ही है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे और अपने दोस्त लोग के साथ एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके।